नमस्कार, मैं हूँ इसमें अलंकार और अभी मैं हजारीबाग के गदोखर गांव में हूँ और एक लायंस क्लब की तरफ से वैसे बच्चों को जो बहुत ही गरीब तबके से आते हैं और जिनके पास रेडियो नहीं है, मोबाइल के ज़माने में रेडियो नहीं है और इसके लिए लायंस क्लब जैसी संस्था क्यों यहाँ रेडियो देने आई है, इस बात की जानकारी लेते हैं कि आखिर क्या है कि जब ज़माना मोबाइल का है तो आप आज यहाँ रेडियो बांटते हैं। देखिए, ऐसा है कि रेडियो बहुत अजूबा लगता है आप सबको, लेकिन ये अजूबा नहीं है। अभी हमारी सरकार इसके थ्रू पढ़ाई शुरू की है तो बच्चों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। स्कूल बंद है, ट्यूशन बंद है, तो बच्चे आखिर करेंगे क्या? तो धीरे धीरे पढ़ाई समाप्त होते चला जाएगा। लेकिन जब हम रेडियो इसलिए बांट रहे हैं कि सभी लोग बैठ के इस रेडियो के थ्रू पढ़ाई करें, पढ़ने के साथ साथ हम रेडियो बांटने का खास मकसद ये है कि अभी मोदी के मन की बातें भी लोग सुनना चाहते हैं। सभी के घर में टीवी नहीं है, कोई जरिया नहीं है, तो वो रेडियो आराम से बजाएं और ग्रुप बना के उसको सुने। साथ ही साथ खेती में आजकल किस तरह से खेती करने से उपजाऊ बढ़ेगा, इसकी भी जानकारी दी जाती है। साथ में हम लोग जो वैक्सीन लेने के लिए बोल रहे हैं लोग को, लोग अनदेखा कर रहे हैं, अनसुना कर रहे हैं, तो रेडियो में ये बताया जा रहा है कि वैक्सीन कितना ज़रूरी है, हर लोग वैक्सीन ले। तो रेडियो के थ्रू अगर उनमें जागरूकता आती है तो लोग वैक्सीन लेंगे और बीमारी से भी बचेंगे। इसी तरह से हम लोग चाहते हैं कि मास्क का उपयोग भी कैसे करना है और क्यों ज़रूरी है, डिस्टेंस बनाना क्यों ज़रूरी है, ये सारी बातें हम लोगों को रेडियो के थ्रू मिलती है। थोड़ा अवगत करेंगे कि कैसे इसका हम लोग उपयोग करें कि मास्क लगाने से हमें बीमारी से मुक्ति मिलेगी। कितना फ़ायदा हो पाएगा, हमारे गांव के पुराने प्रतिनिधि हैं, कितना फ़ायदा हो पाएगा? रेडियो देने से बहुत सारे फायदे होंगे, जैसे अभी वैक्सीन लग रहा है उसके विषय में पता चलेगा, और अभी मोदी जी की मन की बात सुनने के लिए सबके यहाँ तो मोबाइल और टीवी नहीं है, तो रेडियो से ये फ़ायदा होगा कि मोदी जी के मन के बात भी सुनेंगे। और दूसरा है कि बहुत सारे इसमें न्यूज भी आता है जो कि बहुत फ़ायदा है इससे। इस गांव में पहले क्या है, रेडियो नहीं था क्या? क्यों ऐसा है कि यहीं पे चुना गया? इसलिए कि ये मोहल्ला बहुत दलित समाज का मोहल्ला है ये, और गरीब परिवार लोग से आते हैं, इसलिए मोहल्ला चुआई चुआई, तो हमको बहुत खुशी जाहिर हुआ कि और ख़ास करके हमको कल सूचना मिला था और हम इसी मोहल्ला चुआइस किए। तो देखिए, चूँकि ये मोहल्ला बहुत गरीब तबके का मोहल्ला है, तो यहाँ पे कुछ जिनके पास रेडियो अब तक मिल चुका है उनसे बात करते हैं, कितना फ़ायदेमंद होगा आप लोगों के लिए, क्या करेंगी इस रेडियो को लेकर? इस रेडियो से हम पढ़ाई कर सकते हैं, फिर मतलब खेती की सिंचाई के लिए कुछ भी, मतलब ये सुन सक इसके मतलब उसके बारे में सुन सकते हैं और भाई बहन लोग को भी पढ़ा सकते हैं। क्यों, पहले मोबाइल आप लोगों के घर में नहीं था, तो कैसे पढ़िएगा इससे, क्या सुविधा इससे मिलेगी? इससे ना मतलब क्या बोलते हैं सर, हम बोलने नहीं हम तो कैसे मिलेगा, कैसे तुम लोग को पढ़ाई में ये इससे आसानी होगा पढ़ाई में, कैसे होगा? टीवी में देखेंगे न्यूज़ और इसमें लगाएंगे, होगा। कैसे पढ़ाई में आसानी होगा, कैसे पढ़ाई इससे कर पाएंगे? इसलिए कर पाएंगे जो इससे जो मतलब समाचार बताएंगे उसको देख के मतलब समझे उमझेंगे बताएंगे। अच्छा, अभी जो ऑनलाइन इसमें जो क्लास आएगा उसको भी सुन के? हाँ, हो जाएगा। कितना आसान होगा पढ़ाई करना इससे? बहुत आसान होगा। कैसे? ऑनलाइन क्लास करने में और जहाँ दुनिया में कुछ भी घटना होगा उसका बारे में जानने के लिए हम लोग को बहुत आसानी पड़ेगा, इसको सुनेंगे सभी को। कितना 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 खुशी इससे? बहुत ज़्यादा। तो देखिए, बच्चे जो जिनको रेडियो मिला है बहुत खुश हैं, इसलिए कि पढ़ाई के साथ साथ दीन दुनिया में क्या हो रहा है, देश दुनिया की बातें ये सुन पाएंगे, और यही कारण है कि जब आज इन्हें रेडियो मिला है तो ये काफ़ी खुश हैं। इसमें अलंकार लगातार.in के लिए। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।